सकते हैं। ऋषिकेश एम्स में भर्ती सभी श्रमिकों का ब्लड सैंपल लिया गया है, 11 बजे तक सभी की रिपोर्ट आ जाएगी और इसके बाद रिपोर्ट एम्स डायरेक्टर के पास भेजी जाएगी, फिर डिक्लेयर करेंगे कि कब मजदूरों को छोड़ा जाएगा। आपको बताते चले, सभी 41 मजदूरों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। तो सभी के ब्लड सैंपल लिए गए हैं और सभी जो मजदूर है पूरी तरीके से ठीक है। 11 बजे तक ये रिपोर्ट आ जाएगी, डायरेक्टर के पास रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसके बाद तय किया जाएगा कि कब इन सभी मजदूरों को उनके घर के लिए भेजा जाए, क्योंकि सभी जो 41 मजदूर हैं वो ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं और लगातार उनका हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, उनका ब्लड सैंपल भी लिया गया है। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि सभी मजदूर जो हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, पूरी तरीके से ठीक हैं। 17 दिनों तक टनल में फंसे रहने के बाद 41 मजदूर जिस तरीके से बाहर आए, और उसके बाद पहले उनको चिन्यालीसोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और उसके बाद कल इनको चिनूक विमान के जरिए ऋषिकेश एम्स लाया गया था। और फिलहाल ये सभी 41 मजदूर यहां पर ऋषिकेश एम्स में भर्ती है जहां पर इनका इलाज चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल भी इनके यहां पर आने के बाद कुछ टेस्ट हुए थे और उसके बाद आज सुबह भी इनके कुछ टेस्ट हुए हैं और सभी मजदूरों ने आज सुबह, आपको बता दें कि ऋषिकेश एम्स की जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ब्रेकफास्ट इन्होंने कर लिया है और उसके बाद अब आगे कुछ और टेस्ट होंगे और रूटीन चेकअप होगा। उसके बाद आगे जो अलग अलग राज्य सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके 12 बजे तक यहां पर पहुंचने की उम्मीद है और उसके बाद इन मजदूरों को यहां से छुट्टी भी दी जा सकती है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 ऋषिकेश एम्स। ऋषिकेश एम्स में दूसरे राज्यों के अधिकारियों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है और मजदूरों को वापस ले जाने के लिए बिहार ओडिशा के अधिकारी ऋषिकेश एम्स पहुंचे हुए हैं और मजदूरों को देहरादून ले जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी ऋषिकेश एम्स से अनुपम हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम सर, बताइएगा, बताया जा रहा है कि जो अधिकारी है वो वहां पर पहुंच चुके हैं और जो मजदूर हैं उनको ले जाने के लिए, और क्या अपडेट है अभी? देखिए चांदनी, सबसे बड़ी जानकारी यहाँ पर यह है कि जो अलग अलग राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। बिहार के, उड़ीसा के जो नोडल अफसर इस मजदूरों को ले जाने के लिए बनाए गए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार के अधिकारियों का भी पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। 41 मजदूर जो है वो यहाँ पर जो डिजास्टर वार्ड बनाया गया है दूसरी मंजिल पर वहां पर रखे गए हैं फिलहाल और वहां पर उनका उपचार चल रहा है। जो ब्लड टेस्ट हुए हैं उसकी रिपोर्ट 11 बजे के बाद आएगी, यानी कि जब तक एम्स ऋषिकेश सभी 41 को मेडिकल क्लियरेंस नहीं देता है तब तक ये मजदूर फिलहाल नहीं जाएंगे। बताया जा रहा है कि 11-12 बजे के आसपास जब वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसके बाद मेडिकल क्लियरेंस मिलेगा। और यहां पर अभी हमारे जो अधिकारी आए हुए हैं उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर इस बात की जानकारी दी है कि जब यहां पर जो राज्यों से नोडल अफसर आए हुए हैं अगर वो मजदूरों को ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं तो उनके साथ बातचीत करके उनको मजदूरों को सौंपा जा सकता है और वो अपने स्टेट्स में लेकर जा सकते हैं। अगर वो नहीं ले जाने वाले हैं या फिर उनके पास संसाधन नहीं है या तीसरी तरह, तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। मैं कैमरामैन योगेंद्र से कहूंगा एक बार जरा तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं और पुलिस और तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहां पर पहुंच गई है। अंदर की तस्वीरें न्यूज 18 दिखा रहा है इस वक्त आपको स्क्रीन पर, किस तरीके से यहां पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ तमाम लोग यहां पर चांदनी पहुंच गए हैं और जो लगातार नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरीके के हालात हैं। और अब जब 41 मजदूरों की मेडिकल रिपोर्ट्स यहां पर आएंगी उसके बाद यहां पर चीजें साफ होंगी कि किस तरीके से यहां पर तस्वीर है, लेकिन पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई है। मैं दिखाऊंगा कि जो ऑफिसर्स हैं यहां पर, मैडम लगातार यहां पर निगरानी कर रही हैं, लगातार नजर बनाई हुई है। मैडम एक मिनट जरा, मैडम एक मिनट, मैम देखिए बताएंगी किस तरीके से तमाम चीजें यहां पर की गई हैं, उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। मैम एक मिनट जरा बता दीजिए। तो देखिए तमाम जो अफसर्स हैं वो मैम यहां पर अभी बात नहीं करना चाह रही है मीडिया से लगता है तो, लेकिन जिस तरीके से यहां पर तस्वीर है आप देखिए किस तरीके से तैयारियां यहां पर की गई हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या तमाम जो चीजें होंगी उसके लिए यहां पर प्रिपरेशन हो रही है। योगेंद्र से हम कहेंगे कि जरा बाहर की तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से पुलिस और प्रशासन के सुरक्षा इंतजाम यहां पर हैं कि जब यहां से तमाम मजदूरों को अगर लेकर जाया जाता है देहरादून से और वहां से फ्लाइट से या और किसी माध्यम से उनको उनके राज्यों में लेकर जाया जाता है तो चांदनी उसके लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं। लगातार जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर, उत्तराखंड पुलिस ने पूरी तरह से मोर्चा लिया हुआ है और साथ ही साथ डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगातार दूसरे फ्लोर पर, कहूंगा दूसरे फ्लोर की तस्वीरें दिखाएं, जो ऊपर फ्लोर है इसके ऊपर भी एक फ्लोर है सेकंड फ्लोर, वहां से जो है डिजास्टर वार्ड बनाया गया है जहां पर तमाम मजदूरों को, 41 मजदूरों को रखा गया है। सुरक्षा घेरा काफी तगड़ा है, बैरिकेडिंग है, ऐसे आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है। भैया किसी को आगे नहीं जाने दे रहे हैं? ठीक है,
आगे नहीं जाने देंगे सर। ठीक है, अनुपम लगातार नजर बनाए रखिएगा और आपके पास वापस लौटूंगी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नई अपडेट ये मिल रही है कि रेस्क्यू के बाद अभी टनल का निर्माण काम जो है वो फिलहाल के लिए रोक दिया गया। टनल के निर्माण को दोबारा शुरू करने से पहले जांच होगी। केंद्र सरकार की जो एक्सपर्ट टीम है, बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास टनल पहुंचेगी और एक्सपर्ट टीम में 7 लोग जो है वो शामिल रहेंगे। टनल के निर्माण में हुई खामियों की जांच होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम प्रदेश भर को 713 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे और सभी जिलों की विकास योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही ईजा बैड़ी महोत्सव में भी भाग लेंगे और इस ईजा बैड़ी महोत्सव में हजारों महिलाएं भाग लेंगी। उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी का ऐलान हो गया है। आईपीएस अभिनव कुमार उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी होंगे। वो डीजीपी अशोक कुमार की जगह लेंगे। डीजीपी अशोक कुमार आज रिटायर हो रहे हैं। अशोक कुमार के रिटायरमेंट के बाद अभिनव कुमार को डीजीपी की जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि अभी वो कार्यकारी डीजीपी ही होंगे। अभिनव कुमार 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर और तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। बताया ये जा रहा है कि राज्य सरकार ने यूपीएससी को अधिकारियों का पैनल भेज रखा है और इस पैनल में आईपीएस अभिनव कुमार के साथ आईपीएस दीपम सेठ, आईपीएस पीवी के प्रसाद का नाम भी शामिल है। वहीं देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार के रिटायरमेंट पर विदाई समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जो तस्वीरें आप देख रही हैं, आज डीजीपी अशोक कुमार रिटायर हो रही हैं और रिटायरमेंट को देखते हुए विदाई समारोह का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस जनता के लिए बनी है। मैंने हमेशा पुलिस को, पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया है, क्योंकि सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, जरा बताइए, तस्वीरें लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा रही हैं कि डीजीपी के विदाई समारोह के जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, लेकिन अब जो नए डीजीपी होंगे वो अभिनव कुमार उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी होंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सत्येंद्र। उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन को सफलता के साथ पूरा कर लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, जो पहले दिन से इस पूरे मिशन को खुद देखते रहे और जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ उत्तरकाशी में डटे रहे। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को 17 दिन का वक्त लगा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे ऑपरेशन में गेम चेंजर साबित हुए।
दिवाली के दिन जैसे ही मजदूरों के टनल में फंसने का पता चला तो सीएम धामी तुरंत ही टनल साइट पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने को कहा। और जब मैनुअल काम से शुरुआत में सफलता नहीं मिली तो सीएम धामी ने हर वो मशीन लाने को कहा जिससे मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। पहले दिल्ली से और फिर इंदौर से ऑर्गन मशीन मंगाई गई, हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगवाया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तरकाशी में रहते हुए सब कुछ संभाल रहे थे, करवा रहे थे, खुद अफसरों को निर्देश दे रहे थे और टनल साइट पर ही मीटिंग करके अफसरों को आगे की प्लानिंग समझा भी रहे थे। सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे मजदूरों को मुख्यमंत्री धामी ने एक दिन भी निराश और मायूस नहीं होने दिया, खुद मोर्चे पर डटे रहे। जैसे ही मजदूरों से बात करने की व्यवस्था शुरू हुई, खुद मुख्यमंत्री धामी ने मजदूरों से बात की और एक बार नहीं बल्कि बार बार की, क्योंकि सीएम धामी जानते थे कि उनकी आवाज, उनका भरोसा मजदूरों के लिए बहुत बड़ा संबल है। कभी लगता था कि अभी होने वाला है, आज हो जाएगा, फिर वो फिर दो तीन दिनों के लिए टल जाता था, फिर अंदर ऐसा लगता था कि जो हमारे भाई श्रमिक भाई हैं उनका हौसला कहीं कम ना हो, इसलिए उनसे भी बीच बीच में लगातार हम कम्युनिकेशन करते रहे, मैं स्वयं भी बात करते रहा, लेकिन अंदर के जो हमारे श्रमिक भाई थे वह भी जो है बहादुर थे और उनके अंदर भी बहुत बहादुरी थी, उसके कारण से वो हमें भी लगातार कहते थे कि आप अपना काम करिए और हम यहाँ बिल्कुल ठीक है। टनल ऑपरेशन के आखिरी दिनों में तो सीएम धामी ने उत्तरकाशी के मातली को ही राजधानी में तब्दील कर दिया, वहीं से सरकार चलाने का फैसला लिया। सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री टनल साइट पर पहुंच जाते और मजदूरों की सुरक्षा को पूरी तरह से पुख्ता करते, दिन में बाकी के काम करने जाते और शाम को एक बार फिर मजदूर भाइयों की खातिर उत्तरकाशी ही पहुंच जाते और ये सिलसिला एक दिन नहीं बल्कि कई दिन तक चलता रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के गार्जियन की भूमिका के साथ पूरा पूरा इंसाफ किया और हर वो काम किया जिससे मजदूर सुरक्षित रहें, इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में रहे, निचले स्तर पर अफसरों को भी निर्देश देते रहे। और मुख्यमंत्री जी से लगातार कल से और उससे पहले से बातचीत चल रही थी, कल से वो साथ थे, सुबह भी उन्होंने जो है चिन्यालीस और हॉस्पिटल में उन्होंने मुलाकात की, मैंने सुबह इनके हॉस्पिटल में जाके मुलाकात की, तो ऐसे में तो जो भी संभव हुआ सरकार तो कर ही रही है। टनल ऑपरेशन पूरा होने के बाद भी सीएम धामी ने मजदूरों को लेकर अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाई, सभी मजदूरों का हाल जाना, एक एक लाख का चेक सौंपा तो वहीं सभी को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट भी करवाया। और यही नहीं, 23 नवंबर को उत्तराखंड के लोक पर्व इगास का जो त्योहार सीएम धामी ने मजदूरों की खातिर नहीं मनाया था, उसे भी मजदूरों को बाहर निकलने के बाद मजदूरों के साथ ही मनाने का फैसला ले लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा ऑपरेशन में चट्टान की तरह खड़े रहे और हर मुश्किल को आसान बनाते चले गए। पीएम मोदी से मिले निर्देश और अपनी सूझबूझ से सीएम धामी ने वो काम कर दिखाया है जो कि इतिहास में सालों साल तक याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तराखंड के मौसम की बात करते हैं तो राज्य में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 30 नवंबर को बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 3500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका है तो वहीं मैदानी इलाकों में करीब 7 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना है। पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं पर 1 और 2 दिसंबर को भी सर्द मौसम रहेगा जबकि ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में हल्का कोहरा छाए रहने के आसार है। तो 2 से 3 दिन है ये जो एक्टिविटीज है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है इम्पैक्ट इसका या बहुत ज़्यादा बारिश या बराबर इसमें नहीं मिल रही है, पर ये कि हाँ लाइट तक की, वेरी लाइट तक की एक्टिविटी वो है। तो इसके साथ आप देखें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसकी भी संभावना है आज और परसों। मौसम बदलते ही केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। बुधवार को शाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, इसके बाद यहां ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं केदारनाथ से सामने आई है जहां पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है जिसके बाद ठंड बढ़ गई है। बर्फ की सफ़ेद चादर भी आप देख सकते हैं, लगातार बर्फ की सफ़ेद चादर जो दिख रही है आपको उसकी वजह से बताया जा रहा है कि लगातार
ठंड जो है वो बढ़ती ही जा रही, तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। ये तस्वीर केदारनाथ की है, केदारनाथ धाम में किस तरीके से कभी बारिश हो रही है, कभी बर्फबारी हो रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं, क्योंकि 6 महीने के लिए बाबा केदार के कपाट को बंद कर दिया जाता है और इस 6 महीने में कड़ाके की ठंड केदारनाथ में देखने को मिलती है और कभी बारिश कभी बर्फबारी का दौर जारी है और इसी की वजह से ठंड जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपको विकसित संकल्प यात्रा में लिए चलते हैं जो कि लखनऊ पहुंच चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज के इस राष्ट्रव्यापी अभियान के शुभारंभ